सब्सक्राइब कीजिए सनसेक एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए बच्चों शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 7 लेक्चर 5 वीडियो नंबर 48। इसमें क्या करेंगे हम बच्चों, इसमें हम करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ ए फंक्शन फॉर टू वेरिएबल, थोड़ा डिटेल में ठीक है, कुछ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाएंगे ठीक है, ये सब इसमें करेंगे। और जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम मैक्सिमम मिनिमा ऑफ वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल को करेंगे ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स ज्यादातर पॉइंट्स ही आएंगे अपने, जैसे कि हमने पता है कि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, डेल एफ बाई डेल एक्स हो गया ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा अपना, ये कैसे निकालेंगे, अगर आपको एफ दे दिया एफ एक्स वाई हमें दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका डेल एफ बाई डेल एक्स क्या रहेगा 2x ठीक है, ये जीरो हो जाएगा। क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सिर्फ उस उसका निकालना है जिसके साथ एक्स हो, बाकी सबको ट्रीट करना है किस तरह से एज ए कॉन्स्टेंट ठीक है। इसके अब बात करनी कुछ पॉइंट्स लिखवाता हूँ पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में ठीक है। पहला पॉइंट क्या रहेगा अपना, जैसे कि लेट फंक्शन एफ हैज सेकंड ऑर्डर कंटिन्यूअस पार्शियल ऑर्डर, देन मतलब क्या कहना चाहिए, एक फंक्शन है एफ जो सेकंड ऑर्डर कंटिन्यूअस पार्शियल ऑर्डर, मतलब सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, दो बार डेरिवेटिव कर सकते हैं उसका ठीक है। सेकंड ऑर्डर का मतलब टू टू टाइम्स डेरिवेबल ठीक है, और डेरिवेबल के बाद में वो कंटिन्यूस है ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया। तो देन इसके ऊपर क्या कंडीशन आती है, पहली मतलब डेल स्क्वायर डेल एक्स बाई डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ डेल वाई डेल एक्स, मतलब क्या हुआ इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा क्या, तो आप पहले डेल एफ बाई डेल एक्स निकाल रहे हैं या डेल एफ बाई डेल वाई निकाल रहे हैं पहले ठीक है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आपका जो रिजल्ट आएगा वो इक्वली आएगा ठीक है। पहले पॉइंट्स ये कहता है, सेकंड पॉइंट्स क्या कहता है अपना, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, अगर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर अगर दोनों इसको हम डिनोट करते हैं इससे एफ एक्स एक्स, या फिर इसको किस तरह से लिख सकते हैं डेल एक्स बाई डेल बाई डेल एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स ठीक है। इसी का अगर ये निकालें हम तो डेल स्क्वायर बाई एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर क्या रहेगा अपना टू ठीक है। इसी तरह से इसका डेल एफ बाई डेल वाई निकाल के दिखा देते हैं, डेल एफ बाई डेल वाई क्या रहेगा अपना टू वाई डेल एफ बाई, अभी इसी को मैं वाई क्यूब कर देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, थोड़ा आपको अलग से समझ में आ जाए, थ्री वाई स्क्वायर ये हो गया डेल एफ बाई डेल वाई का स्क्वायर ठीक है, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर भी आ जाएगा, थ्री टू प्लस सिक्स वाई ठीक है, दोनों वैल्यू निकाल ली। इसी तरह से हम नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या, डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, इसको दोनों को कैसे सेपरेट कर सकते हैं ठीक है। तो पहले इसमें जैसे इसको निकालेंगे कैसे निकालेंगे, डेल बाई डेल एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डेल एफ बाई डेल वाई निकाला था हमें थ्री वाई स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव करेंगे इसका क्या जाएगा वैल्यू जीरो, तो मतलब क्या जीरो किसकी वैल्यू आ गई, डेल बाई डेल एक्स डेल एफ बाई डेल वाई ठीक है, ये अपना फोर्थ पॉइंट है। तो हर एक का मैंने इसमें एग्जाम्पल करा दिया ठीक है। अब ये तो हो गया अपने चार पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट थे, इसके बेसिक है ज़्यादा वो है नहीं, इसमें क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना चाहते तो कर सकते हैं, बाकी अभी तो आगे आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, इसमें नोट क्या है, इफ एक्स की पावर एक्स वाई की पावर वाई जेड की पावर जेड इज इक्वल टू सी, देन एट एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स वाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स लॉग एक्स का इनवर्स ठीक है। ये एक तरह से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ठीक है, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इसे आप, डायरेक्टली यूज नहीं सॉरी, इसकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, ये तीन चार बार रिपीट हुआ है, अगर आप एमएससी का एग्जाम डी हुआ देते हैं या बीएचयू हुआ देते हैं तो उसमें ये आए हुए ये क्वेश्चन। तो ये एक तरह से 300-400 क्वेश्चन होते हैं, 200 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, टाइम कम होता है उन टाइप्स के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं टाइम कम होता है तो उसमें डायरेक्टली पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने ये इधर लिखवाया है। बाकी सब प्रूफ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसका प्रूफ की भी एक वीडियो बना दूंगा, या फिर आपको प्रूफ लिखो इसका करके मैं इधर सोच उसकी फोटो टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे ठीक है। आप ट्राई कीजिएगा इसे प्रूफ करने की, अगर आपसे प्रूफ होता है तो वेल एंड गुड, अगर प्रूफ नहीं होता तो आप नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसका प्रूफ डाल दूँगा। प्रूफ डालना मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं समझा, ये सीधा रिजल्ट के तौर पे ज़्यादा पूछा गया है, कोई इसका सोल्यूशन पूछता नहीं है, तो अगर आपकी घर से पावर अच्छी है तो आपको याद रखना ज़्यादा बेटर रहेगा। और बाकी मैं यही एडवाइस दूँगा, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देते हो आप लोग तो उसमें आपको क्या करना है, जितना ग्रैप्स कर सकते हो जितना क्रैम कर सकते हो रिजल्ट को उतना ज़्यादा करो, तो उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि जितना आपके उंगलियों पे होंगे ना क्वेश्चन उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे रटो, एटलीस्ट आपको समझ में तो आने चाहिए उसका मतलब, जैसे ये क्वेश्चन है इसका पता होना चाहिए आपको कि ये कहाँ से आ रहा है ठीक है। बाकी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ठीक है, मेन के इसी का रहता है कि आप याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे ठीक है। अगर ये क्वेश्चन अगर आप नहीं कर रहे तो 5 मिनट आपके गए, आपने मान लीजिए आपने याद नहीं किया क्वेश्चन आ गया IIT में या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। मान लो आपको सॉल्यूशन आता है कर भी लिया 5 मिनट तो गए ना आपके, अगर आप ये याद कर लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा ठीक है। ये तो हो गया आपका
एक्स की पावर एक्स, ये फिर से रिपीट कर देता हूँ, इफ एक्स की पावर एक्स वाई की पावर वाई जेड की पावर जेड इज इक्वल टू सी, देन एट एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स लॉग एक्स की पावर माइनस वाई। ठीक है, ये तो हो गया अपना नोट। अब नेक्स्ट जो सेकंड नोट है इसका वो क्या रहता है अपना, इफ इफ यू इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड, देन डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल वाई डेल वाई प्लस डेल वाई डेल जेड, ये एक तरह से क्या था अपना डेल स्क्वायर, u इज इक्वल टू माइनस नाइन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये भी आप ट्राई कर सकते हैं करने को, तो ठीक है इंपॉर्टेंट है ये भी रिजल्ट। ठीक है, सीधा याद रखना होगा आपको डेल स्क्वायर यू क्या रहता है इस केस में, माइनस नाइन बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया अपना दो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद रखने हैं। थर्ड, यूलर्स थ्योरम्स ऑफ एन होमोजेनियस फंक्शन, इसमें क्या रहता है अपना यूलर्स थ्योरम्स इन होमोजेनियस फंक्शन में क्या रहता है, अगर जेड एक फंक्शन है जो एफ एक्स वाई में डिनोट कर रहे हैं, इसे होमोजेनियस फंक्शन इन एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री एन है, एक्स डॉट डेल जेड बाई डेल एक्स वाई डॉट डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन जेड। ठीक है, या फिर इसको कैसे कह सकते हैं, एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। ठीक है, ये हो गया अपना यूलर थ्योरम। ठीक है, यूलर्स थ्योरम्स एक तरह से क्या है, एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स, ये आपको पूछ लेंगे सीधा क्वेश्चन, आई आई टी में पूछ सकते हैं, कहीं पर भी पूछ सकते हैं, सीधा क्वेश्चन देंगे, ये पूछेंगे एक फंक्शन दे देंगे होमोजीनियस, कोई भी एक होमोजीनियस फंक्शन दे देंगे। ठीक है, तो उसमें क्या पूछेंगे सीधा सा आपसे, ये पूछेंगे तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, एन एफ, एन क्या अपना डिग्री। ठीक है, क्या डिग्री है वैल्यू की। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन की डिग्री क्या है। ठीक है, तो अब जैसे इसके ऊपर मैंने एग्जाम्पल भी करवाया कैसे करते हैं। ठीक है, पहले तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो याद रख लीजिए, एंड एक्स डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एन माइनस वन डेल एफ बाई डेल एक्स, ये तो होता है अपना इंपॉर्टेंट नोट है क्या, एक्स डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस एन माइनस वन डेल एफ डेल एक्स डेल एफ वाई डेल एक्स। ठीक है, ये तो होता है अपना वैल्यू। अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, एक्स डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन माइनस वन डेल एफ बाई डेल वाई। ठीक है, ये भी आपको यही एडवाइस करूँगा, एक तरह से ये एक तरह से यही यही लिखवाया है वो इधर, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या अपना थर्ड पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको इम्पोर्टेंट है याद रखना होगा। ठीक है, कोशिश करना याद करने की, ये रिजल्ट है अपना एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर, ये आ गया एन एन माइनस वन एफ, उसमें क्या था एन एफ। तो ये दोनों रिजल्ट क्या है इंपॉर्टेंट है, आप जितना ग्रैप्स करोगे मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, जितना उतना इंपॉर्टेंट रहेगा आपको। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फायदा रहेगा। ठीक है, एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा जरूरत है। ठीक है, ग्रैप्सिंग पावर ये तो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता अपना ये जो अपना एग्जाम का है एग्जाम, ये ज़्यादा हार्ड रहता नहीं है, ईजी रहता है, जस्ट आपको मेहनत करनी होती है। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे जितने क्वेश्चन आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपके पास एक साल है तो वेल एंड गुड, 6 महीने में हो जाता है। ठीक है, अगर आप अच्छे से 18-18 घंटे पढ़ रहे हो और 18-18 घंटे आप वर्कआउट कर रहे हो 24 घंटे में से, और डेली आप इतने टाइम दे रहे हो, तो आपके लिए 3 या 4 महीने मोर देन इनफ होते हैं। ठीक है, किसी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए तो मैं बोलूँगा 6 महीने लगा लीजिए। ठीक है, और 1 साल आप यूपीएससी के लिए लगा लीजिए, और इसमें मैं बताऊँगा जो जैम है इसके लिए 3 महीने मोर देन इनफ होते हैं, जो आप सोच रहे जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है इसमें बेटर रहता है, कुछ फ़ायदा नहीं रहता। ठीक है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं रहता कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जैसे कि हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो उसमें क्या रहता है अपना हफ्ते में दो दिन ही क्लास कराएंगे, उसमें कुछ नहीं कराएंगे, यही नोट लिखवाएंगे जो मैं लिखवा रहा हूँ, इससे कुछ अलग नहीं होगा उसमें। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि नोट्स जो होते हैं उसमें क्या रहता है एक तरह से कॉन्सेप्ट रहता है, कॉन्सेप्ट तो अलग हो नहीं सकता, हर एक कोचिंग सेंटर में आप जाओगे वही कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, बस तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा किस तरह से पढ़ा रहे हो। ठीक है, इसलिए 2 डेज ए वीक आप दे रहे हैं और उसमें आप 30,000 रुपये दे रहे हैं, 30,000 रुपये मिनिमम होता है आज, आज ये 2019 का रेट है। ठीक है, इस रेट पे ये बच्चे पढ़ते हैं, और आप खुद नोटिस कीजिए 1 साल की कोचिंग होती है और उसमें सिर्फ 2 दिन क्लास होती है। ठीक है, हफ्ते में 2 दिन, और कितने मैक्सिमम 2 आवर या 3 आवर, इतने घंटे पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, 1 घंटे की क्लास उसमें 30 मिनट का ब्रेक, फिर उसके बाद 1 घंटे की क्लास, फिर उसके बाद 30 मिनट का ब्रेक, इस ऐसे ही अपने 5 घंटे पूरे कर देते हैं और हो जाते हैं इनके पूरे। ठीक है, 30,000 रुपये वसूल, और इसमें आपको ये भी नोटिस करेंगे स्टार्टिंग में जब जाओगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से बेस्ट टीचर लाएंगे, और धीरे धीरे जैसे आपको 1 महीना हो जाएगा आपकी सारी फीस आ चुकी होगी तो आपका टीचर चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, ये रहता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो
एडवाइस रहेगी मेरे को, सेल्फ स्टडी कीजिए, वीडियो देखिए, या फिर आप लोग स्टडी मटेरियल खरीदिए इसके ऊपर। जितना मैं तो यही एडवाइस करूँगा आपको, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब बात रहेगी इसमें क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे रहेगा, आप पहले जैसे ओडी का मैंने कराया, ओडी के पहले जितने भी लेक्चर्स हैं सबको देखिए, मतलब कॉन्सेप्ट जो है बेसिक वो सारा एक बार पढ़ लीजिए और फिर क्वेश्चन करने स्टार्ट कीजिए। एक बार में मेरे को पता है सारा कॉन्सेप्ट याद नहीं होगा, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक है, कौन से लेक्चर से है, ठीक है। बाकी मेरा यही रहेगा, सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ नहीं है, ठीक है। 30,000 दोगे वेस्ट, वेस्ट जाएंगे ये सब, ठीक है। इसलिए मैं एडवाइस करूँगा आप सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है अपना, इसके ऊपर मैंने एग्जाम्पल्स कराए कैसे किस टाइप से पूछेंगे। जैसे आपको देखिए, इफ यू इज गो टू लोड x² + y² - x + y, दैट एक्स, ये सीधा पूछ लेंगे, ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन फंक्शन e की पावर u, क्या किया है, लोग कुछ सही लेंगे ताकि ये होमोजीनियस इक्वेशन बन जाए, x² + y² - x + y बन गई अपनी होमोजीनियस इक्वेशन। तो इसमें क्या रहेगा अपना, अब x² + y² ऊपर है तो इसमें डिग्री क्या है, 1, क्यों, 2 - 1, 2 - 1, ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो 2 - 1 कितना होता है 1, तो डिग्री क्या आ गई अपनी 1, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 1, तो एन क्या था अपना, एन एफ वाई एफ डैश, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 1। लेकिन इसमें एक बात याद रखना, जो ये वैल्यू आई है 1 वो किसकी आई है, इसकी वैल्यू आई है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ऑप्शन में आपको दे देंगे ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी पार्ट, चार ऑप्शन होंगे, उसमें क्या दे देंगे आपको ऑप्शन, पहले पार्ट में 1 b 2 हो जाएगा, c 3 हो जाएगा, d 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको टेक करना होगा, ये क्वेश्चन जनरली आते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं, PHU का आप एग्जाम दे रहे हो या फिर जामिया में दे रहे हैं, जामिया का एग्जाम दे रहे हैं या जैम का लोग एग्जाम दे रहे हैं, किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, उसमें आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो अपना FXY, ये दे दिया हमें, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x² - 5y² - tan-1y/x, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देन x·∂f·∂x + y·∂, इसमें NF होता ही है अपना, तो लेकिन N की वैल्यू निकालनी जरूरी है। ये देखो tan-1y/x है, तो ये पहले से अपना क्या है, इक्वल है 1 - 1 0, तो यहाँ से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें इसको छोड़ सकते हैं। बाकी x² - 5y² है, तो x करना है हमें होमोजीनियस बनाने के लिए, तो नीचे x² से मल्टीप्लाई किया और ऊपर गया अपना, तो मतलब इसमें क्या किया है हमने, x²·x² / x²y², ठीक है। तो इसको कैसे लिखा हमने, x²·7 5+2 7y/x का हो गया, तो ये भी न्यूट्रल हो गया और tan-1y/x भी न्यूट्रल है, बचा गया अपना x²·7, तो डिग्री क्या आ गई 7, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 7f, ठीक है, वैल्यू आ गई अपनी 7f यहाँ से, ठीक है। ये तो हो गया अपना क्वेश्चन, इजीली हो सकते हैं, तो ये सीधा ऑप्शन इसमें कैसे आएगा, चार ऑप्शन होंगे आपके पास, 1f 2f 3f, चौथा होगा 7f, तो आपको सीधा अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो इजीली आप निकाल पाएंगे, वरना आप सोल्व भी करते रह जाएंगे वो टाइम निकल जाएगा, ठीक है। मेन यही रहता है, जितना आपके टिप्स पे रहेगा उतना ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है, उतना ही आपका ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है अपने, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, टोटल डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशिएशन एक तरह से आपने पढ़ा भी होगा, इसमें क्या रहता है, इफ यू इज इक्वल टू FXY वेयर एक्स इज इक्वल टू फाइव टी एंड वाई इज इक्वल टू साई टी, ठीक है। तो देन du/dt इज इक्वल टू du/dx, dx/dt प्लस du/dy, dy/dt, मतलब एक बार इसको u को करना है और फिर इसको करना है x को, मतलब uFXY है ना, तो इसको पहले कैसे करेंगे हम, x के रिस्पेक्ट में जाएगा और फिर y के अलग अलग करेंगे, उसको सम अप कर देंगे, जैसे इफ यू इज इक्वल टू FX1 x2 ऐसे चलता जा रहा है, तो du/dt क्या होगा, du/dx1 dx1/dt, x1 की जो वैल्यू है फिर x2 की वैल्यू आएगी, ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, इफ u इज एन फंक्शन ऑफ x एंड y एंड y इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x, देन du/dx इज इक्वल टू du/dx + du/dy, dy/dx, ठीक है। तो एक तरह से क्या जा रहे हैं, डेल एक्स ही निकाला हमने, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या किया हमने, du/dx और फिर du/du, सॉरी ये डी आएगा और फिर ये आएगा del y del y del y by dx, ठीक है। तो ये एक तरह से इस तरह से करेंगे, कैसे, पहले इसके रिस्पेक्ट में जाएगा फिर इसके और फिर इसके, चेन बनती चली जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया अपना क्या, कैसे है उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से चेन रहती है अपनी u x y, ठीक है, फिर उसके बाद फिर से x फिर y x y कुछ भी हो सकता है, ये चेन कितनी भी बड़ी हो सकती है, ठीक है। मतलब इसमें x y में कन्वर्ट किया फिर उसमें और फर्क आ रहे हैं, ठीक है, वेरिएबल इसमें आप ले सकते हैं इसको, सॉरी x एंड y नहीं, u v और इसको w x, ठीक है, w x। तो अब ये आपसे पूछ लेंगे, इसको u मत रखिए, इसे आप रख लीजिए क्यों, क्योंकि सेम हो रहा है, तो इसलिए आप इसको q रख लीजिए, ठीक है।
क्यू को विद रिस्पेक्ट टू यू पास से डेरिवेट करो तो कैसे करो, पहले एक्स एक्स में जाएगा फिर इसके पास जाएगा फिर इससे इसके और फिर इसके बाद वी का भी हमें यू में लाना पड़ेगा, डेल वी बाई डेल यू लाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से हम सोल्व करेंगे, ठीक है। बाकी इसको इलेबरेट वे में जब इसके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बेसिक यही है इसका, ज़्यादा बड़ा बेसिक नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर जब एग्जाम्पल्स करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, इफ एक्स एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी ए, मतलब कोई अपना फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है वो कांस्टेंट फंक्शन है, सी मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई, ठीक है, माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई। इसको जो हम बोलते हैं, जो ये चीज़ है अपनी, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिक्ट डिफरेंसेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्लिक्ट डिफरेंसेशन, ठीक है। तो आपको सीधा इसमें भी एमसीक्यू या एमसीक्यू बन सकता है, ये दे देंगे आपको, दिस टाइप ऑफ डिफरेंसेशन इज कॉल्ड, ऑप्शन होंगे फर्स्ट इम्प्लिक्ट डिफरेंसेशन, सेकेंड होगा अपना कुछ भी, अलग अलग टाइप के डिफरेंसेशन नाम रखे होंगे, ठीक है। तो अब इसमें आपको चूज करना होगा। अब ये तो हो गया अपना डिफरेंसेशन, ठीक है। अब ये टोटल डिफरेंसेशन हो गया अपना। अब बाकी क्या करना है आपको, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। अभी बाकी मैं इसके ऊपर क्वेश्चन दिखा रहा था, अगर हर एक के ऊपर कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन कराने लगा तो लेक्चर्स बहुत बड़े होने लग जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा उसका, ठीक है। आप भी बोर हो गए, इसलिए मैंने जो मेन मेन जो इसका मेन निचोड़ था ना वो मैंने इधर लिख दिया है। बाकी इससे अगर कुछ बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूव करना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट में आप बता सकते हैं कैसे इंप्रूव करना है। बाकी आपको कुछ डाउट्स है तो डाउट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। नोट्स वगैरह चाहिए तो आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे, थोड़े दिनों में वेबसाइट चालू हो जाएगी, ठीक है। उसमें आप नोट्स खरीद सकते हैं, कुछ भी चाहे तो वो बाय कर सकते हैं, उसमें अच्छे अच्छे आपको मोटिवेशन स्पीच भी मिलेंगे, मतलब वो एजुकेशन के पर्पज़ के लिए बेस्ट वेबसाइट होगी वो, आप जा सकते हैं उधर, ठीक है। थैंक यू।